जालौन से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। जालौन में शराब पीने से दो लोगों की मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौतों से इलाके में हड़कंप मच गया। मौत की जानकारी मिलते ही डीएमएसपी मौके पर पहुंचे। परिजनों का आरोप, जहरीली शराब पीने से हुई मौत। शराब बेचने वाला मौके से फरार बताया जा रहा है। गांव के कई घरों में अवैध शराब बेचने को लेकर डीएमएसपी ने खुद छापेमारी की है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा, डीएम ये कहते हुए नजर आए। वहीं आटा थाना क्षेत्र के ग्राम ददरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई है। अगर बीते कुछ दिनों की हम बात करें तो बीते कुछ दिनों पहले बुलंदशहर से ऐसी खबर सामने आई थी जहां पर जहरीली शराब पीने से 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अगर उससे एक साल पहले की हम बात करें तो एक साल पहले 2018 में और 2019 में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई है और यह आंकड़ा लगातार अब बढ़ता जा रहा है। ये मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कई बार आबकारी विभाग कार्रवाई करता है, जो भट्टियां होती है उन्हें नष्ट किया जाता है, एक्शन लिया जाता है, त्वरित कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ दिन बाद ऐसे मामले सामने आ ही जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार्रवाई तुरंत होती है, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। और ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अनुज कौशिक मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि जिलाधिकारी द्वारा ये बोला जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट नजर आएगा, लेकिन परिवार का आरोप है कि जहरीली शराब पीने से ही मौत हुई है। बता दूं कि जालौन में ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं, लेकिन आज जब दो लोगों की मौत हुई है सनसनीखेज मामला सामने के आने के बाद, जालौन की जो अभी नई आई है प्रियंका निरंजन, उन्होंने खुद छाकर मामले की जानकारी ली, साथ ही कई घरों में छापेमारी की है। क्योंकि जहाँ पर आस पास के इलाके में लगातार पिछले कई सालों से शराब का गोरख धंधा चल रहा हुआ है, यहाँ पर हरियाणा से शराब आती है, राजस्थान और प्रदेश से यहाँ पर शराब लाई जाती है और यहाँ पर ही पैकिंग की जाती है। साथ ही यहाँ पर कई तरीके के अवैध गोरख धंधे शराब बनाने वाले कार्यालय है और कई बार पुलिस के नाक के नीचे ही ये घटनाएं होती रहती है, लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल अनुज, लेकिन देखा जाए तो जो शराब बेचने वाला है वो मौके से फरार बताया जा रहा है। परिवार आरोप लगा रहा है कि जहरीली शराब पीने से ही मौत हुई है, और ऐसा नहीं है कि जालौन में पहली बार ही मामला सामने आया, उससे पहले भी कईयों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब पीने से। हम देखते हैं कि जब ऐसा कोई भी जानकारी, कोई भी खबर आती है तो एक्शन लिया जाता है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। क्या यहाँ पर भी ये देखा जा सकता है? देखिए, अभी तो फिलहाल में पुलिस ने पूरा गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन बता दें कि पुलिस किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करती है शराब माफियाओं पर। बस जिन्हें चुने दो चार पाउच लगाकर किसी को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन जो बड़े माफिया है, बड़े जगलर है, यहाँ पर शराब का गोरख धंधा करते हैं, उनके खिलाफ पुलिस किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करती है। पिछले साल जरूर थोड़ी बहुत पुलिस ने कार्रवाई की गई थी, जैसे सीतापुर बाराबंकी में मौत है हुई थी, उसके बाद जरूर पुलिस थोड़ा एक्शन में आई थी और कबूतर टेरों पर छापेमारी करके कुछ शराब बरामद की थी। बिल्कुल अनुज, और उससे पहले भी हमने देखा है कि कुछ, अगर अभी एक महीना भी नहीं बीता है, बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से कईयों की मौत हो गई थी। उसके बाद हमने देखा था कि कार्रवाई हुई, जो भट्टियां थी अवैध वो नष्ट की गई हैं, कईयों को जेल में भी डाला गया, लेकिन उसके बाद जालौन से अब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। ये जरूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ पुलिस कर्मियों की मिली भगत है, इसी वजह से जो मुख्य है वो बच रहे हैं अभी भी। देखिए बिल्कुल काजल, बता दूं कि अगर कहीं ना कहीं पुलिस, अगर प्रशासन अगर इसमें मदद ना करे तो शराब माफिया कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जो सिपाही लाइन रहते हैं, कुछ अधिकारी भी, मतलब पुलिस के उप निरीक्षक रहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना हिस्सा बांट करते हैं, उसके बाद ही ये शराब की बिक्री हो जाती है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि सरकारी ठेके होने के बावजूद भी लगातार अवैध शराब की बिक्री की जा रही है, यहाँ तक कि सरकारी ठेकों पर भी मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से लाई जाने वाली शराब की बिक्री की जा रही है, गोवा की भी शराब यहाँ पर लाई जाती है, लेकिन न तो आबकारी विभाग कोई कार्रवाई करता है, न ही पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करता है। ये निश्चित ही पुलिस के ऊपर सवालिया निशान लगते हैं, क्योंकि लगातार ही मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी क्योंकि दो लोगों की मौत हो चुकी है और जिलाधिकारी ने कहा है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी। बिल्कुल अनुज, एक और चीज यहाँ मैं पूछना चाहूंगी, दो की तो मौत हुई है लेकिन एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्या उसका कोई बयान सामने आया है? पुलिस ने पूछताछ में क्या कुछ कहा गया? देखिए अभी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, क्योंकि अभी उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, तो इसीलिए उसको डॉक्टरों की निगरानी में ऑब्जेक्शन में रखा गया है, वहां पर डॉक्टर उसका निरीक्षण कर रहे हैं। और साथ ही
जिलाधिकारी द्वारा वहां पर आबकारी और डॉक्टरों की टीम ले जाकर वहां पर गांव के लोगों से पूछा जा रहा है कि जिन लोगों ने शराब पी है वो कृपया मेडिकल चेकअप करा लें, जिससे कि पता लग सके कि शराब पीने से मौत हुई है अन्य किसी कारण। क्योंकि पहले शुरुआत में 4 मामले आए थे, जिसमें एक की सोमवार रात को मौत हुई है, कल की मौत हुई, रात में मौत हुई है। कहीं ना कहीं ये शराब की, क्योंकि लगातार एक के बाद एक मौत हो रही है और एक की हालत नाजुक बनी है, तो प्रशासन भी लगा हुआ है जिससे कि उनकी जांच कराई जा सके और पता लगाया जा सके कि शराब पीने से ही मौत हुई है, अन्य कोई कारण है। काजल, बिल्कुल अनुज, और आसपास के जो लोग हैं गांव के, उनका ये कहना है कि गांव में कई घर ऐसे हैं जहां पर अवैध भट्टियां चलती हैं, अवैध तरीके से शराब रखी जाती है और बेची भी जाती है। क्या उन पर कोई एक्शन अब लिया गया है, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है अब? देखिए, बिल्कुल बता दूं कि पुलिस प्रशासन ने पूरे घरों में छानबीन की है। साथ ही बता दें कि ददरी से लगा हुआ वहां पर बभौरी गांव है, वहां पर तो ये अवैध गढ़ बना हुआ है, क्योंकि यहां पर पिछले कई सालों से अवैध शराब का गोरख धंधा चल रहा है। यहां पर पुलिस ने जरूर कुछ कार्रवाइयां की थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई बस केवल दायरे में सीमित रह जाती है। फिलहाल तो पुलिस अभी पूरी छापेमारी और माफिया जो शराब का काम कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। काजल, बिल्कुल अनुज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जालौन से पूरा मामला सामने आया है और एक बार फिर से जो जाम है वो मौत का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि फिलहाल पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है, जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये कंफर्म हो पाएगा कि मौत का असली कारण शराबी है, क्योंकि आरोप परिवार वाले यही लगा रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से ही मौत हुई है और अवैध तरीके से भी गाँव में, आसपास के दूसरे गाँव में भी अवैध भट्टियां चल रही हैं, अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है, परोसी जा रही है।